हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी विद पूरी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। ये हमने 6 आलू ले लिया है, जिसे उबाल लिया है और उसके छिलके साफ कर लिए हैं। और ये हमने एक बड़ा टमाटर लिया है, जिसे इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और एक बड़ा प्याज लिया है, उसे भी हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। आधा टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। एक टेबलस्पून हमने ग्रेटेड अदरक और लहसुन लिया है, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है अदरक और लहसुन को। और ये हम चुटकी भर हींग का यूज़ करेंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ता लियूस, 4 हरी मिर्च और आधा कप हरा धनिया, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, नमक एज़ पर टेस्ट, वन फोर्थ टेबल स्पून गरम मसाला और 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 1.5 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। और हम यह हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी भी ऐड करेंगे। अब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे और साथ में चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसे सौते कर लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज को हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है, लाइट गोल्डन किया है हमने। अब हम इसमें ग्रेटेड अदरक और लहसुन ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, हमने इसे 1 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें सभी पाउडर मसाले ऐड करेंगे और नमक भी ऐड कर लेंगे और मिक्स करेंगे। आधा मिनट तक हम फिर से इसी तरह से भून लेंगे। साथ में हम कटे हुए टमाटर भी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। दो दो टुकड़ों में हमने हरी मिर्च को कट कर लिया है। कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से बन जाए। अब हम इसे लिड को ढक लेंगे और टमाटर का पानी सूखने तक पका लेंगे। ये देखिए, पानी सूख चुका है और मसाला हमारा भून रहा है। इसे लगभग मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाने रखा था। और इस तरह से हम टमाटर को मैश कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा ग्लास पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और हमने अब हम इस तरह से आलू को मैश करेंगे। हाथों से ही मैंने मैश कर लिया है इस तरह से, थोड़े धर धरे। और अब हम इस पानी में आलू को भी ऐड करेंगे। साथ में कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ढक्कन ढककर 2 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। और देखिए, 2 मिनट मैंने पका लिया है और हमारी आलू की सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस रेडी हो चुकी है।
अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। ये देखिए कंसिस्टेंसी इस तरह से हमने रखी है। अब हम पूरी बना लेंगे, जिसके लिए हमने ये पूरा भर के कप, एक बाउल हमने ये गेहूं का आटा लिया है और छोटा कप हमने मैदे का आटा लिया है। मैदे और गेहूं की पूरी हम बना रहे हैं दोनों मिक्स, और उसमें नमक ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमने इसका भी आटा गूंथ लेना है। हल्का हल्का पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। जैसे इस तरह से मुक्के मार के भी आप घूमें गूंथें, ताकि आटा हमारा स्मूथ हो जाए। और जितना आटा अच्छी तरह से गूंथा जाता है उतनी ही पूरी सॉफ्ट बनती है और फूलती है, तो इसलिए आप आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें। और अब हम ऊपर से हल्का सा तेल लगाएंगे। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया है और 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद देखिए हमने इस तरह से गोले बनाया है, जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा, ताकि हम एक साथ 4-5 पूरी निकाल सके आसानी से। और ये मैदा मैंने डस्ट कर लिया है इसके ऊपर थोड़ा, ताकि वो चिपके ना। और इस तरह से हम जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे। देखिए हमने इसे बेल लिया है। अब मैं ग्लास की मदद से इसे कट कर लूँगी। आप चाहे तो जो भी ले धारदार चीज़ उससे कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम गोल गोल शेप में हमारी पूरियों को निकाल लेंगे। पूरियों के साथ साथ मैं एक स्टार भी निकाल रही हूँ, इसे आप बच्चों को भी देंगे तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने कट करके एक स्टार भी बना लिया है। और ये हमारी पूरी बेल कर तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी हम देखिए स्टार इसी तरह से बेलेंगे। ये मैंने आपको मैदा डस्ट करके बताया था। आप चाहे तो इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाकर इसके ऊपर तेल लगाकर भी आप पूरी बना सकते हैं। अगर आप कट नहीं करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे गोले बनाकर इस तरह से तेल लगाएं, हल्का सा तेल लगाएं दोनों तरफ और इस तरह से बेल लें गोल शेप में। अब ये देखिए इस तरह से आप भी बेल सकते हैं। आप तेल लगाकर हमने इस तरह से बेल लेना है। आप जितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तब हमने मीडियम फ्लेम पर इस पूरी को डाला है। मीडियम फ्लेम होने के बाद हम पूरी को डालेंगे। और देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से पूरी को सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही पूरी को पकाए। और ये देखिए हमारी फूली फूली पूरी किस तरह से फूली है, इसी तरह से हम सभी पूरी को बना लेंगे। हल्का हल्का सा इसे टच करेंगे तो वो अपने आप फूलने लगती है तेल में। ये देखिए इसी तरह से हमने सभी को फ्राई कर लेना है। और जो हमने स्टार बनाया था उसे भी मैं आपको बता देती हूँ फ्राई करके। और हमारी पूरियाँ भी पक चुकी है और हमने इसे सर्व कर लिया है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो